देख सकते हैं बाबू हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है? क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2008 में आया है। अगर आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आप बना सकते हैं तो याद रखिएगा कि आप नवोदय विद्यालय की परीक्षा को पास कर सकते हैं। देखिए आप उसे पास कर सकते हैं या नहीं। यहाँ भाग का चिन्ह है, यहाँ ये माइनस है, ये भाग का चिन्ह है, ये गुना का चिन्ह है और ये प्लस का चिन्ह है। सबसे पहले बोर्ड मास अगर हमको मालूम होगा तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हम भाग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नवोदय विद्यालय के बच्चों को इतना बताना नहीं पड़ता है। देखेंगे ये भाग हम यहाँ पे इसको ऐसे ले लिए, यानी हमारा इतना दूर में ये भाग है, पहले हम इसे ही बनाएंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो भी है सब ऐसे उतार लेंगे। 425 माइनस ये गुना में 6 हो गया, प्लस में 37 हो गया ना। और 25 के पहाड़ा में 125 कितना बार में है, ध्यान देंगे, यहाँ भाग दे देंगे हम। 25 के पहाड़ा में 125, 25 पचे 125 कट गया, कितना बार में आया? 5 बार में। यानी इसके बदले में हम यहाँ पे अगर लिखेंगे तो सिर्फ क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे, हो गया। पुनः हम देख सकते हैं अब हमारे पास माइनस है, गुना है और प्लस है, तो बताइए हम कौन सा काम करेंगे? गुना का काम करेंगे। किसका काम करेंगे बेटा? गुना का। तो आइए हम गुना को हम डीलिंग कर लेते हैं यहाँ पर। तो 425 हो गया माइनस 6 पचे 30 अब प्लस हो गया। अब आपको बताना है माइनस है और प्लस है, तो पहले अब हम किसका काम करें? प्लस का। ध्यान देना है, यहीं पे तो हिसाब ये गड़बड़ हो जाएगा। इसके पीछे भी प्लस का चिन्ह है। किसका चिन्ह है बाबू? प्लस का। तो हम इस दोनों को जोड़ेंगे, इसको और इसको। ठीक है, तो 425 में कितना जोड़ दिए बेटा? 37। 7 5 12 का 2, हाथ में लगा 1 और 3 2 5 और 1 6 ना, 4 1 4 462। अब में से हमको क्या घटा देना है? 30 घटा देना है। तो 462 में से देखिए एकदम आराम आराम से मैथ बनाइए। 30 2 हो गया, 6 में से 3 गया, 3 हो गया, 4 हो गया, कितना आया? 432। कितने बच्चों को समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको एक और दे देता हूँ ताकि आप उसे बना करके हमें दिखा सके। यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। 8 9 6 माइनस 100 / 5 गुने 3 प्लस 200। आप इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो याद रखिए नवोदय विद्यालय में 1 अंक आपका। समझ में आ गया? ऐसे प्रश्न अगर आप बना सकते हैं तो नवोदय विद्यालय में समझिए कि 1 अंक आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, उतारिए। हाँ, उतार के अलग अलग बैठ करके इसे आप बना के हमें दिखाइए।